Hello and welcome to DigiHunt. My name is Sandeep and right now I have with me Mr. Vineet Kumar Singh and Akansha Singh. Hello to the two of you and welcome to the podcast. Hello. Hi, hello. Thank you. Vineet, I'll start off with you. You come from a pretty illustrious background where your dad's a mathematician and you actually tried, getting yourself admitted in NSD. But wo family ki wajah se hua nahi. To us kisse ke baare mein zara batao aur aaj jab, when your family sees you in the position that you're in or जब तुम्हारे इतनी सारे फिल्म्स आ चुके हैं और यू हैव मेड योर नेम एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन द इंडस्ट्री, अभी क्या रिएक्शन है उनके? हाँ, अच्छा लगता है उनको. पापा को हमेशा ये लगता था संदीप के ये जो सोच रहा है ये होगा कि नहीं होगा. फिल्म इंडस्ट्री में किसी को जानते नहीं हैं, कैसे होती हैं चीज़ें ये पता नहीं. तो हमेशा ये चाहते थे कि एकेडमिक स्पेस में ही कुछ करे. और वो मैथमेटिशियन थे तो चाहते थे कि मैथ्स पढ़े. तो मैं सबसे पहले उनके चंगुल से निकलना चाहता था क्योंकि मैं जब छुट्टियों में गांव जाता था तो वहाँ पे सारे चाचा और ये सब, कोई स्टैट वाला है, कोई मैथ्स वाला है. तो पता चले मैं आया हूँ छुट्टियों में, ये सोचा था कि पेड़ पर चढ़ के आम तोड़ूँगा. हाँ, खुद बेल तोड़ के जो उसका शरबत बनाएंगे, ये तो मेरा ही बेल बना दिया इन लोगों ने. चाय लेके आओ, रखो. हाँ, इस बार कौन सी क्लास में हो? नाइन्थ में गया हूँ. अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री होगी, चलो पढ़ा देते हैं. मैंने तय किया था कि इन लोगों के जो है चंगुल से मुझे निकलना है. तो मैंने सबसे पहले मैथ्स छोड़ दी, बायोलॉजी ले ली, तो उससे बच गया. लेकिन यहाँ आना अपने आप में बहुत कठिन था. right. क्योंकि कोई आपकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो आपको इधर जाने के लिए पुश करे, एक्सेप्ट माई यंगर सिस्टर एंड यंगर ब्रदर. उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया. और मैं चाहता था NSD जाऊं और उसके लिए मैंने कोशिश भी की थी क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ग्रेजुएशन ज़रूरी है. तो आई वॉज जस्ट वेटिंग 10+2 हो जाए तो मैं जल्दी से तो BHU में मैंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन वगैरह हो गया था मेरा. लेकिन मेडिकल के कुछ एग्जाम्स दिए थे, CPMT क्लियर हो गया. तो फिर और आप टॉपर थे फॉर ऑल द अनइनिशिएटेड, वी डोंट क्वाइट नो. मतलब टॉप करने की वजह ये थी कि मुझे ये पता चल रहा था कि महाराष्ट्र की सीट मिल जाएगी अगर मैं टॉप कर गया तो. अच्छा, ओके. तो मुंबई के चांसेस हैं तो मुझे आना यहाँ था. ओके. चक्कर में टॉप किया. नहीं तो ना करता, मैं पढ़ता ही नहीं. मतलब मैं उस समय जब पढ़ रहा था तो मेरे घर वाले भी नहीं पहचान रहे थे, बाल वाल सब निकाल दिए थे. अच्छा. आई वाज जस्ट रीडिंग. मतलब तो बस हो गया, कोशिश की और हो गया. तो मुझे करना नहीं था टॉप. अच्छा, ये समझ आना था यहाँ. तो मुझे ये समझ में आ गया था कि मुंबई में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि जिसका भी इंटरव्यू पढ़ूं, कोई अगर कहीं बाहर से गया तो उस कॉमन एक ही चीज़ दिखती थी, स्ट्रगल. स्ट्रगल. बोला यार ये क्या है, मतलब ये करना ही पड़ेगा. तो मैं बोला यार इसके लिए फिर कुछ तैयारियाँ करनी पड़ेंगी. तो डॉक्टर बना इसलिए कि मैं प्रैक्टिस कर लूँगा शाम को और दिन भर स्ट्रगल कर लूँगा. तो पापा का दबाव मतलब ये था कि सपोर्ट करते तो सब हो जाता, लेकिन मुझे मालूम था वो सपोर्ट नहीं करेंगे. right. तो ऐसा ना हो जाए कि मेरी पतंग जो है दिख तो आसमान में रही है, डोर मेरे पापा के यहाँ. तो मैंने इसलिए मेडिकल किया कि वो खींचें और मैं वापस आ जाऊँ वाला हिसाब ना हो जाए. तो मेडिकल के पीछे वजह ये थी. राइट. आकांक्षा, तुम बताओ, द फैक्ट दैट योर मदर वाज आल्सो अ थिएटर आर्टिस्ट, ऑब्वियसली एक्टिंग वाज देयर इन योर जीन्स. Was it really difficult to be a part of the industry, especially when you started over television? So coming to the industry was not difficult, but struggle came after. When I did my first show and everybody was calling me for the same kind of roles, or sab jab yahi umeed karte the ki main wahi character karun. Right. And I used to get calls for to play 18-year-old ka mother ya aise. So I used to think that bhai, I'm so young. Let me explore more things. And उसके बाद असली struggle चालू हुआ जब आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना पड़ता है. I feel because you know, जो सबसे ज़्यादा easily access होता है casting या जो भी है वो आपको approach करेंगे because they have seen you in that character. But it's on you that how you believe yourself and you know your craft, that you know, no, I'm not meant for only this. I have to explore more things. And as an actor, there was a hunger, and that's how I shifted my base from television. And I said that, you know, no, maybe aaj nahi kal,
थोड़ा और टाइम लग जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. पर मैंने अपने आप को टाइम दिया और आई थिंक बाकी एवरीथिंग वाज हिस्ट्री एंड नाउ आई एम डूइंग मोर वर्क सो आई एम ग्लैड एंड आई एम हैप्पी. Rakansha, one thing, I mean, there is one particular, you know, question that actually pertains to you and your career. The fact that you bid adieu to television, aur uske baad, you kind of struggled to get roles and kind of get a foothold in the Hindi film industry because uske baad ab Kannada and Telugu films ne, matlab you completely were engrossed in them. So what happened with the Hindi film side? तभी कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था या नहीं? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था. एज आई सेड दैट यू नो एवरीबॉडी वांटेड मी टू प्ले द सेम कैरेक्टर इवन इन फिल्म्स. नो फिल्म्स में आई वाज नॉट गेटिंग एनीथिंग सब्सटेंशियल. आई वाज गेटिंग भाभी का रोल एंड आई वाज वेरी यंग या फ्रेंड का रोल. आई डिड यू नो व्हेन आई गॉट बद्री आई जस्ट डिड इट बिकॉज आई वांटेड अ फिल्म एक्सपीरियंस. ओके अच्छा. मैं जब मेरे लिए एक एक्सपीरियंस का टाइम था कि यार मैंने टेलीविजन किया उसके बाद मैंने कुछ एक ही शो किया उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं. सो लेट मी जस्ट ट्राई मे बी ये दिस विल ओपन मोर डोर्स फॉर मी एंड दैट हैपेंड नॉट इन हिंदी बट इन साउथ. जब वो कैरेक्टर किया तो मेरा पहला क्वेश्चन मैं गई थी धर्मा के ऑफिस एंड आई स्पोक टू शशांक एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे ना पढ़ना है एंड इट वॉज अ कैरेक्टर स्मॉल कैरेक्टर स्क्रिप्ट पढ़ना है. And he looked at me and said कि assistant director ने कहा कि हम धर्मा में script नहीं देते. And I said but I want to read, I want to know that what my character is. And I told Shashank that you know, see it's with full respect, it's Dharma, it's you, it's Alia, it's Varun, it's everybody, it's a great team. Absolutely. But I don't want to do something which is not substantial. Even if it's a 5 minutes role, ना वो 5 minutes मेरे होने चाहिए. इसलिए I want to be sure. Right. तो मैं ये बोल के आई थी उनको और मैंने उन्होंने मुझे मेरा पार्ट पढ़ाया था और मैंने उनको यही कहा था कि ठीक है. एंड देन आई कॉन्टेम्प्लेटेड कि मेरे लिए क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं ये फिल्म करने के. एंड आई थॉट दैट यू नो चलो अच्छा तो ये है कि 25 दिन सिंगापुर में शूट करने को मिलेगा. एक फिल्म का एक्सपीरियंस मिलेगा विद अ ग्रेट टीम. बुरा क्या हो सकता है कि शायद लोगों को याद नहीं रहेगा या आके निकल जाएगा. But it was very weird because after when I did that show, the film, actually a small girl and all the air hostess and people came up to me and said that we watched you in Badrinath Ki Doyaniya. It was just a small role. Yeah. But whatever scene I had, I have made sure that, you know, it leaves an impact. Yeah, leaves an impact and people will feel, you know, will feel my presence. Absolutely. So that was all my criteria and my thought process was. And then I started off with my South journey. I was getting all leads. And when you know, वो होता है कि आपको पता है कि आपकी worth इतनी तो है कि आप lead कर सकते हैं. तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी. I was getting roles. I was getting calls कि ऐसा character है. But I waited. And that's how Runway happened. And I'm happy that it happened. Now, you know. It's going to be a process and progress. Absolutely. With Rangbaz. Fingers crossed. Yes, so I'm very happy to be here again. Okay. Wow. Vineet, aap bataiye, Rangbaz 3, Z5 is a huge platform. And the fact that this particular series already had two previous seasons, and both of the seasons were pretty good. How did you first land in the role, the lead role, and what all, किस तरह से आपने शायद अपने कैरेक्टर के लिए मतलब कैरेक्टर सुन के आपको कैसा लगा? यस बोलने में थोड़ा बहुत हिचकिचाहट हुई? नहीं मैं हाँ ना तो बोल देता हूँ तुरंत. अच्छा. ज़्यादा किसी का वक्त नहीं लेता. 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन बता देता हूँ. अजय राय इसके प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने मुझे बताया. तो अजय के साथ मैंने गैंग्स ऑफ वासीपुर की है और मुक्काबाज की है. ये एक और बाज है. रंगबाज. ही इज़ माई लकी चाम वन थिंग. नवदीप सिंह वो शो रनर हैं इसके. मैं हमेशा से नवदीप सिंह के साथ काम करना चाहता था. अच्छा. उनका काम मुझे अच्छा लगता है और राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है. रंगबाज किरदार बहुत अच्छा लिखा है. सारे किरदार बहुत अच्छे लिखे. मुझे एक एहसास हो गया था जब नवदीप सर ने मुझे डिटेल थोड़ा बताया. फिर जो आपने बोला कि रंगबाज 1 और 2 बिल्कुल दोनों जो है बहुत प्यार मिला है. तो ज़्यादा कुछ सोचना था नहीं मेरे लिए. इट वॉज़ ऑल इन क्योंकि किरदार इतना अच्छा था. बाकी सारी चीज़ें मुझे दिख रही थी
अब ये था कि चलो मेहनत करनी है, अब शुरू करते हैं, ये कुछ चैलेंजिंग मिला है तो right. ऐसे शुरू हुआ. लवली. आकांक्षा मुझे तुम बताओ कि ट्रेलर तो हम आई मीन वी ऑल सॉ द ट्रेलर बट देन यू नो इन द ट्रेलर अगेन बिट्स इन पीसेस में यू कम एंड देन यू गो इन द ट्रेलर ही इज आई मीन एवरीवेयर बट आई डोंट नो आई मीन कोई बजट थी दैट यू नो ट्रेलर में इस तरह से कट किया होगा एडिटर ने. मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. तो yeah. आप okay. पूरा पिक्चर का वेट yes. कीजिए एंड आपको पता चलेगा कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस कैरेक्टर इज. ये ना होती तो साहिब साहिब ना होते. अच्छा ओके okay. तो हर टीम बैठती है, पूरी ट्रेलर कट होता है और कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है ये उन्हीं को पता होता है. सो वी आर नोबडी टू से इन दैट बट यस ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एंड अगर साहिब नहीं होते तो सना नहीं होती, सना नहीं होते तो साहिब नहीं होते. सो इट्स दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर. ओके नाउ दिस एक्चुअली ब्रिंग्स मी माय नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट जैसे बहुत क्रिटिक्स से बोलते हैं कि अरे शी वाज जस्ट यू नो शी केम एंड शी वेंट एंड देयर वाज नो बिग स्क्रीन टाइम और ये और वो. ये बहुत सारे रिव्यूज वगैरह में हमको देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलता है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट द फैक्ट दैट यू नो मोस्टली आई मीन स्पेशली इट हैपेंस इन बॉलीवुड the male actors they have a dominance as far as you know their roles are concerned and female actors are kind of ignored. So what is your this I will disagree with this point because there were times like that but now people are making female oriented films and web series. It's not like there are so many good actors in our industry. But female oriented films se pehle bhi hua karte the. I mean but the quantity and now the number of films being made and there are female actors who are running the film on their shoulders and they are having the theatrical release. So the time is changing. It's not any more like theek hai chalo aap aaye aapne dance kiya aap nikal gaye. Right. There has to be a substance for a female. If you are a good actor you won't firstly accept anything anything comes on your way. So you have to have that belief in yourself. Right, right. Plus, for me, I will talk about myself. I cannot comment on anybody's career, but I always think that you know what I am giving to that role and that project, and what you know what kind of elaboration or the kind of space that show will give it to me. Right. That is right. my concern. And whether I'll be able to, you know, entertain my audience in that given time, those are the factors which you, you know, look forward to. And if it's a powerful role, I think anybody would want to do it, even if it's for 5 minutes. So, you know, it's not a hard and fast rule ki aap पूरी फिल्म कर लो तब भी आप कहीं आपका करियर नहीं जाएगा. एंड यू जस्ट डू 5 मिनट का कैरेक्टर यू विल मे बी इट विल ओपन योर यू नो डोर्स. सो आई थिंक सब्सटैंशियल रोल होना बहुत ज़रूरी है. एब्सोल्युटली. विनीत एक रियलिटी शो से आपका आगमन हुआ इंडस्ट्री में एंड यू एक्चुअली वर एन एसोसिएट आई थिंक यू वर असिस्टिंग मिस्टर मांजरेकर. तो उसके बाद पिता करने के बाद तो आपको सब्सटैंशियल रोल्स मिले नहीं, उसके बाद से मुक्काबाज और फिर ये जो मेन रोल्स हैं जिनके लिए आप जाने जाते हैं दे केम इनटू योर दे लैंडेड ऑन योर लैप फॉर दैट मैटर. टेल मी अबाउट दैट फेज द अ लिटिल बिट अबाउट द स्ट्रगल द रियल स्ट्रगल इन द इंडस्ट्री. मुक्काबाज संदीप मुझे मिली नहीं है. तो मैंने मुक्काबाज लिखी थी मेरे लिए. ओके हाँ मैंने मुक्काबाज के पहले आप अगर मेरा करियर उठा के देखोगे तो 2000 अगली एक्चुअली 2013 में रिलीज होनी थी और 2013 में बॉम्बे टॉकीज भी आई थी. राइट. तो तारीफ मिली लेकिन काम नहीं आ रहे थे. जो काम आ रहे थे वो मैं नहीं करना चाह रहा था. तो 2013 मेरे लिए ऑलमोस्ट मैंने शूट ख़त्म कर ली थी. अच्छा. रिलीज़ हुई अगली फॉर सम रीज़न 2014 में. उसके बाद से हार्डली मैंने कुछ काम किया. ओके. तो मैं लिखने के बाद प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से मिलता था और बोलता था ये स्क्रिप्ट है और मुझे हीरो बनना है. तो बस ये कंडीशन थी और इसमें 5 साल चले गए. और फिर अरुणा कश्यप ने ऐसा क्या देखा? उन्होंने मुझे मौका दिया गैंग्स ऑफ वासीपुर में, बॉम्बे टॉकीज, अगली और ये सारे बहुत अलग अलग काम हैं. अगर बिल्कुल 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 तो थैंक्स टू हिम मैं उनका जितना धन्यवाद करूँ कम है. वो ना होते तो शायद मैं ना होता. कि टैलेंट सब अपनी जगह है, मौका नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं उखाड़ सकते. बिल्कुल बिल्कुल सही है.
और एक लिमिटेशन होती है आपकी जवानी, आप ऐसा थोड़ी आप कोई चीज़ घर में रख सकते हैं, जवानी थोड़ी रख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अपने टाइम के हिसाब से जा रही है, तो थैंक्स टू हिम कि उन्होंने ये मौके दिए। कोशिश हमेशा करता रहा मैं, और अगली हुई तो नहीं गैंग्स ऑफ वासीपुर हुई तो मेरे साथ के सब लोग बहुत आगे निकल गए थे, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा था। तो मेरा सच मैं जानता था, मैं कंप्लेन नहीं करता हूँ, मेरा ये होता है कि ठीक है मुझे गुस्सा आता है, बिल्कुल बिल्कुल आपको ऐसे तकलीफ होती है, सब होता है, लेकिन उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे डॉक्टर ने पर्चा लिख के नहीं दिया था कि विनीत जाके एक्टर बनो, मैंने तय किया था। तो फिर वो जो कुछ चोट लगती है मैं अपने ऊपर लेता हूँ। एग्जैक्टली, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा कोई चीज़ दिख गई है, कोई है जो मेहनत करके कहीं पहुँचना चाह रहा है, अगर उसको थोड़ा बेहतर तरीके से मौके मिल जाते हैं तो सही समय में चीज़ें चल पड़ती हैं। मतलब दिन बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है, मैं वहीं खड़ा हूँ, और बहुत साल ऐसे मेरे जीवन के चले गए। एनीवे, मुक्काबाज लिखी ये सोच के कि भाई कुछ मुझे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं दे रहा है एज अ लीड। ओके, तो मैंने, मेरी सिस्टर ने, हम लोगों ने मुक्काबाज लिखी और फिर पिच करना मैंने शुरू किया। और कंडीशन यही थी, मैं पैसा नहीं मांगता था, मुझे एक रुपया नहीं चाहिए, लेकिन हीरो मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ। तो लोग एज एन एक्टर, लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने गाइड भी किया, मैं उनकी मजबूरियाँ समझता था, वो चाहते हैं कि इसके साथ हो, लेकिन सरकमस्टेंसेस, फिल्म बनाने के पीछे जो फिनेंस और चीज़ें होती हैं, आई वॉज़ नो बडी, मेरे पास कोई ऐसी फिल्म ही नहीं थी बिल्कुल मेरी प्रोफाइल में, तो कोई क्यों मेरे ऊपर इतने पैसे लगाए। तो ऐसे करते करते मैं, मेरे 3-4 साल निकल गए थे। देन अनुराग सर ने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड ही सेट कि मैं बना रहा हूँ तेरे साथ बना रहा हूँ, लेकिन तू बॉक्सर नहीं बनेगा तो पिक्चर नहीं बनाऊँगा, और स्क्रिप्ट में मैं मेरे हिसाब से चेंजेस करूँगा। मुझे तो ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था, मैं सुन क्या रहा हूँ। तो वो हाँ ना करते तो मुक्काबाज ना होती, हम यहाँ बात नहीं कर रहे होते, मैं कहीं जो गलियों भटक रहा होता अभी। नहीं, वट एवर इज रिटन इन डेस्टिनी, आई एम श्योर दिस वाज प्रीडिस्टाइंड। डेस्टिनी वेस्टिनी का तो पता नहीं खुद को, मुझे लगता है तसल्ली देने के लिए सब सही है। मुझे लगता है जो पुल बना है ना बैंड्रा से वर्ली, डेस्टिनी का पुल नहीं है, समंदर की डेस्टिनी नहीं थी कि इस पर पुल बने। वो तो है। लोगों ने बैठ के सोचा कि यहाँ से एक पुल जा सकता है, और जब सोचा तो वहाँ आज पुल है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जाके देखोगे वहाँ पुल दिखेगा। वो तो है। तो ऐसे मुझे लगता है कि अगर सोचा जाए ना कि इसके साथ कुछ करना है, और अगर उस बंदे में आग है, भूख है कि मुझे भी करना है, और आप सपोर्ट कर दो तो कुछ मज़ा आ जाता है। लेकिन आप रैकेट ही नहीं दोगे, बोलो बैडमिंटन खेल दिखाओ, तो चिड़िया मैं ही देख रहा हूँ, मैंने मारा न रैकेट है न चिड़िया। तो रोज़ मुझे ये बोलना पड़ता था कि मैं एक्टर हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ करना है और ये होगा। ये झूठ मैं रोज़ बोलता था खुद को हाँ कि होगा, झूठी है ना, क्योंकि कुछ हुआ तो है नहीं। कल जो बोला था आज भी नहीं हुआ, आज फिर बोल रहा हूँ कि कल होगा। तो आपको इतनी हिम्मत जुटानी पड़ती है, और सभी एक्टर्स ये उनको जूझना पड़ता है इससे, मैं अकेला नहीं। राइट राइट। दिस एक्चुअली ब्रिंग्स मी टू अनदर स्टेटमेंट। मैं पिछले दिनों यशराज में था, रणबीर कपूर से मेरी मुलाकात हुई, एंड इट वॉज ड्यूरिंग एन इंटरव्यू व्हेन आई गॉट अ लिटिल फ्लेयर्ड अप, क्योंकि उन्होंने कहा एक स्टेटमेंट में कि मूवीज़ शुड नेवर बी पर्सनल, इट शुड ऑलवेज बी मासी। वहाँ पर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा दैट यू नो द बिगेस्ट मूवीज़ इफ़ यू टॉक अबाउट सिनेमा ऑन द होल, नॉट ओनली बॉलीवुड और हॉलीवुड जो आमतौर पर लोग देखते हैं इंडिया के स्पेशली, द बिगेस्ट मूवीज दैट हैव बीन मेड दे आर ऑल पर्सनल मूवीज। आई टोल्ड देम दैट योर ओन ग्रैंडफादर मेड मेरा नाम जोकर, विच वॉज एन एक्सट्रीमली पर्सनल मूवी, एक्सक्यूज मी। सो ही वेंट ऑन टू टॉक अबाउट द फिनांसिस एंड एवरीथिंग, दैट्स व्हेन आई काइंड ऑफ कॉट ऑन एंड सेड दैट इन बॉलीवुड मोस्टली फिनांस को प्रायोरिटी दिया जाता है जहाँ तक मतलब मूवीज़ का सवाल है, और
पीपल डोंट रियली सी एंड द काइंड ऑफ मतलब उन लोग दिमाग एक बना लेते हैं दैट यू नो इफ दिस पर्टिकुलर मूवी इज अ लिटिल बिट यू नो ऑन द इंटेलिजेंट साइड एंड ऑन द थिंकिंग साइड फॉर दैट मैटर मासेस विल नॉट टेक इट. सो यू एज अ मेकर यू आर एक्चुअली ऑलरेडी डिसाइडिंग दैट द मास इज नॉट गोइंग टू सी योर फिल्म बिकॉज दिस इज एन इंटेलिजेंट फिल्म. आर यू गेटिंग मी? So you're not making, you're making absolutely bollocks film, you're absolutely making shitty films, and you are going ahead and you are thinking you that, you know, the audience is going to see the film. What are you exactly doing? Is it just finance, or are we also catering a little bit to the art, to the mind side of cinema? Now, जहाँ तक इस बात का सवाल है, आपका इस पे क्या टिप्पणी है? What do you actually have to say on this? Sandeep, I'm talking about content, the difference between content. Sandeep, कला जो चीज़ है इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या होती है कि हर किसी का अपना एक तरीका हो सकता है. ठीक है, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते. बिल्कुल, कि कोई भी चीज़ है उसको मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, आपका आपका अपना एक पर्सपेक्टिव हो सकता है. कोई चीज़ हो सकती है जो लार्जर परसेंटेज में या लार्जर आइडिया करेक्ट हो सकता है. बिल्कुल, रणबीर के लिए मैं, रणबीर इज वेरी गुड एक्टर, एब्सोल्युटली विदाउट अ ट्रेस ऑफ डाउट. मुझे रणबीर इंसान भी, जितना मैं रणबीर को जानता हूँ, मुझे इंसान भी बहुत अच्छा लगता है रणबीर. और हमने कुछ काम साथ में नहीं किया, वो अलग अलग बात है, लेकिन एक समझ में आता है कोई इंसान. ओवर हियर मैं उस पर आता हूँ आपके सवाल पे. सी And I'm not personally speaking about Ranbir, to make it very clear. I'm talking about this entire idea. Ki, you know, finance, matlab ek choti si bhi film ban rahi hai. Usme makers dekh nahi rahe ki storyline kaisi hai, usme edit kaisa hoga, kya kya cheeze ho sakti hai. People are thinking about the finance, ki kaun kitna paisa kamayega. I'm talking about that mindset. Sandeep, main us pe aata hoon. Mera ye kehna ki agar koi is business mein hai, to ye unka adhikar hai. Bilkul. ये उनका अधिकार है कि वो मुझे लें मुझे ना लें. मैंने कोई एहसान थोड़ी किया किसी के ऊपर. और ये कोई पब्लिक सर्विस तो है नहीं कि भाई रेलवे प्लेटफॉर्म है, 5 रुपए की टिकट ले लो, सब आ जाओ. वो उनका अधिकार है, वो जैसे बनाना चाहें. अगर किसी को सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म करनी है तो वो करता है, किसी को वैसे फिल्म नहीं करनी है तो वो कुछ और करता है जो उसे करना है. अब रह गई बात इस आर्ट की, तो ये आर्ट बहुत महंगा आर्ट है, बहुत पैसा लगता है, प्रोड्यूसर पे बहुत दबाव भी होता है. मतलब पहले तो होता था, घर बिक जाया करते थे ना लोगों के, ऐसे प्रोड्यूसर रहे हैं पैशनेट, सब कुछ ऑल इन करके उन लोगों ने खेला है. तो रिस्पेक्ट टू देम, इतनी करेज. तो ये आर्ट बहुत महंगा है, तो यहाँ पे ये राइट्स सामने वाले का बनता है कि वो कैसी फिल्म में उनका बिलीफ है. मैं कोई नहीं होता हूँ उनको ये कहने वाला आप ये बनाइए आप वो बनाइए. मेरा अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बट मुझे ये राइट्स नहीं बनते. उनको वो लगता है, उनका ट्रस्ट है कि भाई मेरे को ना, मेरा समोसे में चलेगा तो मैं समोसा छानूंगा, मेरे को लगता है मेरी पतंग में चलेगी मैं पतंग बेचूंगा. तो उसमें कोई भी टिप्पणी करना मुझे लगता है सही नहीं है. हम डिसएग्री हो सकते हैं, है ना. बाकी बड़ी स्क्रीन की अगर बात करूं तो वहां मेरा ये मानना है, फिल्म अगर अच्छी है और उसको जगह मिलती है तो लोग देखने आते हैं. और इसके पास में भी बहुत सारे एग्जांपल हैं. अगर अच्छी फिल्म है उसको नंबर ऑफ स्क्रीन्स अच्छी मिलेगी, राइट, एब्सोल्युटली, दबा के प्रमोशन करो, लोग आते हैं देखते हैं. लोग तो सिनेमा देखते हैं इसलिए ना, फिल्म या हमें हंसाए रुलाए, बढ़िया एक्शन हो, अच्छा ड्रामा हो, अच्छी कहानी हो, अच्छे एक्टर हो, अच्छा डायरेक्शन हो, हमें अच्छा लगता है. लोग तो सब देखते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप VFX वाली फिल्में भी देखते हैं आपको अच्छा लगता है. रियल लाइफ की भी बहुत सारी फिल्में हैं जो अच्छी लगती हैं, एक से एक हिट फिल्में रही हैं. ओके, अभी द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू इज टू द टू ऑफ यू टुगेदर, what was perhaps the most difficult part shooting mein? ek
एक सीक्वेंस है बट अभी मैं उसको बोलना नहीं चाहूँगा। अच्छा पर हाँ, मतलब वो करने के बाद मैं बात करने की स्थिति में नहीं था। आर यू सीरियस? मतलब ऐसा क्या हुआ? नहीं है, तो वो ख़त्म करने के बाद जस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम देयर। अच्छा, तो वो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट? हाँ, मतलब बिकॉज मतलब इमोशनली ड्रेनिंग था वो कई मायने में। बिकॉज ही एक्टिंग ऐसा नहीं है कि आप गए लाइन्स पढ़ी बोल दिया, बिल्कुल वो अंदर से शुरू हो जाता है, घड़ी बजने लगती, टिक 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 कुछ होने लगता। आप जब करते हो तो सामने वाले को भी महसूस करते हो, और मैं सारी लिखी लाइनें ही बोलूं ऐसा मेरा थोड़ा कम होता है, थोड़ा कुछ ऊपर नीचे मेरा होता है, आता है अपने आप। और बट वो सारा क्रेडिट मैं राइटर को देता हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस स्टेज तक पुश किया, वो मेरी प्रिपरेशन में हो जाता है कुछ। लेकिन डायरेक्टर बोलता है मत बोलो, तो नहीं बोलता, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो संदीप, वो सीक्वेंस जब मैंने किया, I was feeling so heavy. और रात के मुझे लगता है कुछ 2:30-3 बज रहे होंगे, वो सीक्वेंस किया है, मैं निकल गया, फॉग ही फॉग था, ठंड का वक्त था, मैं निकल गया। शूट कहाँ हो रही थी? हम यूपी में कर रहे हैं। अच्छा, ओके। और आप? आई कांट डिस्कस अबाउट। या आई अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। आई थिंक मेरी डिफिकल्टी सना की साइकी समझने में थी। अच्छा, ओके। मुझे एक्चुअली कैरेक्टर करते करते समझ में आने लग गया कि ये किस तरह सोचती है, टू गेट दैट, बिकॉज आपके जो एक्शन और कट के बीच का जो सफ़र होता है और उसमें आपको जो कन्वे करना होता है, जहाँ पे भी मैंने वो कैरेक्टर अपने अंदर नहीं डाला वो दिखेगा स्क्रीन पे। सो आई थिंक टू गेट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सना वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी, एज आई सेड दैट यू नो, नोइंग द फैक्ट कि साहिब क्या काम करते हैं, एंड उसके बावजूद उस आदमी से इतना प्यार करना किसी भी ह्यूमन के लिए, आई थिंक इट इज़ वेरी, अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ, पर्सनल लाइफ की बात करूँ, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी अनरियलिस्टिक फॉर मी, यू नो, नोइंग द फैक्ट दैट व्हाट ही डज, बट टू अंडरस्टैंड दैट साइकी एंड हैव दैट सिंपथी फॉर दैट कैरेक्टर एंड टू शो दैट that people also will also feel that, I think that was the most difficult part, and along with that I think my dentures were the most difficult part, because we have played 3 different age groups, okay, and the age in which I am, you know, my old like self, 45-50s, it was really difficult for me to say my dialogues in those dentures, so Achha. I think physically that was the most difficult part. okay. All right, guys, so with that we come to the end of this lovely and a very candid conversation with the beautiful actors of Rangbaaz 3. My name is Sandeep with Digi Hunt. Thank you so much.